told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो आज हमारी हो रही है यहाँ से नई दिन की शुरुआत. सो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, निकलने से पहले आपको रूम दिखाऊंगा और व्यू दिखाऊंगा. तो सबसे पहले चलो रूम देखते हैं. काफ़ी छोटा सा दरवाज़ा है, तो जैसे यहाँ देखोगे ना तो बिल्कुल झुक के निकलना पड़ता है. और तो और सेकेंड रूम देखो, इसका दरवाज़ा देखो बहुत छोटा है. तो मैंने जान के ये रूम लिया था थोड़ा ओल्ड स्टाइल की लुक देने के लिए. मज़ा आता यहाँ से इधर इधर से और भी कमरे हैं. और ये बाथरूम है, बाथरूम देख के क्या करोगे. सो बढ़िया रहा, नींद बहुत अच्छी आई. लेकिन एक चीज़ की दिक्कत, गद्दे बहुत ज़्यादा सख्त थे. और सामने का व्यू एक बार देख लो, ये था मेरे रूम के सामने का व्यू. तो मैं 7 बजे उठ के यहाँ चेयर पे बैठा हुआ था आराम से. सो निकलने से पहले अपना एनर्जी बूस्टर चला देते हैं. एनर्जी बूस्टर बोले तो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल. आई होप आप सब बढ़िया होंगे. मैं तो बहुत बढ़िया, अभी मैं निकल चुका हूँ. असली देखो, छोटी छोटी चीज़ें तो हो चुकी हैं. राइड हो गई, ऑफ रोड हो गया, सब हो गया. आज है असली इम्तिहान. बोले तो चंद्रताल, पागल नादा, कुंजुम पास, ये तीनों आएंगे. अब ये तीनों जब हमारे सामने आएंगे तो क्या होगा, देखने के लिए बने रहें किसी एपिसोड. तो थोड़ी हाइट पे जाने के बाद हो सकता है मैं बात कम करूं, क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन होता है, इसलिए हमें हमेशा थोड़ी कम बात करनी चाहिए और एक्टिविटीज़ कम करनी चाहिए. और वहाँ पे एक बहुत बड़ा उनका रूल है, आप कोई भी टेंट बुक करते हो ना, वो सामान नहीं उठाएंगे आपका. तो मैंने कुछ इस प्रकार प्लान किया है कि बाइक जो है मैं अपने टेंट के बिल्कुल बाहर की साइड रखूँगा, जो उनका टेंट मुझे मिलेगा. और एक बैग मैंने ऐसा तैयार कर लिया जिसमें मेरे मतलब कि करने वाली चीज़ें होंगी, या निकाल लूँगा साइड से, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी. ये जो जगह है ये है कायतो से थोड़ा सा पहले. और यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे ना तो पत्थर बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं. तो होता क्या है कि पहले ये मिट्टी इनके साथ मिली होती थी, जो मुझे लगता है पहले इनके साथ मिट्टी होती थी. पानी आता है, मिट्टी बह जाती है, सिर्फ पत्थर आ जाता है. उसके बाद क्या होता है, जब बारिश वो हवा चलती है तो पत्थर गिर जाते हैं, जो मुझे लगता है कि ऐसे होता होगा. माइट भी हो सकता है कुछ और भी स्टोरी हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है. तो पीछे वाली रोड पे कोई ऐसा मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर ही है. ये देखो पुलिया आ गई, अब पानी भी आ गया. तो यहाँ पे जितने भी लकड़ के पुल है ना, उन सब पे आपका रूल है कि एट अ टाइम एक ही राइडर चलेगा. वेदर बाइक हो, गाड़ी हो, ट्रक तो अलाउड ही नहीं है, वेदर गाड़ी हो या बाइक हो. अभी मैं लोसर पहुंच गया हूँ. तो जो लोग भी काजा से आ रहे हैं वो सब लोसर में ही मिलेंगे. तो ये एक सेंटर पॉइंट है दोनों के लिए. तो अब इतनी दूर आए हैं तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना स्टिकर लगा देते हैं ताकि हमारी भी एक पहचान यहाँ पे बन जाए. ठंड इतनी भी ज़्यादा नहीं है, होगी कैसे, मैंने वार्मर पहने हैं. अभी लोसर में खाना पीना हो गया. यहाँ से चंद्रताल है करीब 40 किलोमीटर. तो अब देखते हैं जाके कि क्या सीन है. बाकी वो कह रहे हैं कि आगे रास्ता साफ है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी.
कोसर से चंद्रताल का रूट क्या साफ सुथरा है, बहुत अच्छा रूट है, एकदम सीधी सीधी रोड है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर इनकेस कहीं बारिश आती भी है ना जैसे आगे, तो आपको बहुत दूर से दिखाई दे जाएगी कि वहाँ बारिश आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि सारे जितने हैं तो दूर दूर आपको दिखाई देता है। कि मैं कौन सी जगह पर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुंजुम पास यहाँ से है करीब 5 किलोमीटर। पीछे एक बोर्ड लगा था, वहाँ से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि कुंजुम पास 5 किलोमीटर। तो अभी छोटा सा स्लश आया था, हो गया क्लियर आराम आराम से। सो जब भी आप ऐसी जगह पे हो ना, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके, फोकस करके अपना उसको क्रॉस करो। सो अभी क्या हुआ, मेरे को ना पीछे रुकना पड़ गया, तो बाइक का थोड़ा सा मोमेंटम बिगड़ गया मेरा, जिस वजह से अभी यहाँ से अपहिल नहीं कर पा रही। तो भाई आ रहे हैं, थोड़ा सा पीछे से पुश कर देंगे तो अपहिल चढ़ जाएगी। जैसे ही अपहिल चढ़ेगी आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो फटाफट से पहले अपहिल करते हैं। अरे पता क्या हुआ, पीछे मुझे ना कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे जाना है यहाँ जाना है। ये काम करो आप, ये 350 है। हाँ जी, आप उतरो बाइक से। आप करोगे? नहीं नहीं, उतरो आप भी, उतरो बाइक से, है ना। एक मिनट, ये वाला स्ट्रेच है, मेरी भी बाइक का मोशन टूट गया था, पर मैं आता रहता हूँ तो मैं चढ़ा दिया खींच के। हाँ पीछे जाएंगी ना तभी बनेगा, आराम से आना पीछे। एक मिनट, नहीं मैं तो कह रहा हूँ हल्का सा सपोर्ट दोगे ना तो आगे चढ़ जाएगी। ये दो गड्ढे और मोशन तोड़ेंगे, यहाँ तक आओ, मोमेंटम बना के थोड़ा ऊपर जाओ, ठीक है। ये 350 है ना, अब आप नहीं पीछे आओ, स्ट्रेट आओ, स्ट्रेट लाइन में जाना आपने, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा हमें। लेफ्ट करो अपने, लेफ्ट करो, लेफ्ट कर जाएगी आपकी वरना। करो पीछे आओ, थोड़ा सा आपको ना थोड़ा वहाँ तक आना पड़ेगा पीछे, और आ जाओ आ जाओ, मैं पकड़ रहा हूँ पीछे सर, पाते रहो, थोड़ा आ रहा हूँ और आओ, बहुत बहुत। अब आपने ना एक टेरेन चूज करनी है गड्ढों में, मेरे हिसाब से ये वाला टेरेन ज्यादा अच्छा नहीं है। आप यहाँ से जाओ, इसी गड्ढे से जाओ। हाँ ये वाला सही है ना, ये वाला ठीक है, ठीक है। हाँ ये सही है, इस पे मत जाओ क्योंकि इसमें आगे छोटे छोटे ब्रेकर है। अच्छा हाँ चलो, हम आपको थोड़ा पुश करेंगे, क्लच बिल्कुल नहीं दबाना, रेस पूरी रखनी, ठीक है। चलो अब आगे कोई दिक्कत नहीं, आगे का टेरेन साफ है। तो ये था थोड़ा सा, एक थोड़ी सी ज्ञान की बात और बता देता हूँ, जब भी आप इस तरह से ऑफ रोड कर रहे हो तो ऑलवेज क्लच को कम से कम यूज़ करो आप। इसीलिए मैंने कहा था कि एक कांस्टेंट स्पीड बना के रख लो, उसमें क्या है कि आपको क्लच दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने एक कांस्टेंट स्पीड पे रखा हुआ है, आप चलते रहोगे, कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी वो आपको उसी कांस्टेंट रेस पे क्रॉस करवा देगी। लेकिन जहां आपने क्लच और ब्रेक दबाई तो आपकी वहां पे मोमेंटम भी आपका टूट जाएगा,
मेरे साथ अभी क्या हुआ था, मोमेंटम क्यों टूटा, मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थी कि वो रास्ता यहाँ लेफ्ट वाला है या राइट वाला है। तो जो आए थे जिन्होंने हेल्प करी, उन्होंने बताया है एक्चुअली ये लेफ्ट वाला ही, लेकिन ये शॉर्टकट बनाया हुआ है तो ये आराम से पार हो जाता है, ये शॉर्टकट है थोड़ा सा, तो करीब 2-4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए बस हो गया वो भी क्रॉस। और अभी आप देखोगे तो वो सामने आई थिंक ये कुंजम पास है, या ये मेरे को लग रहा है चाचा चाची का ढाबा है। लेट्स सी, जाके देखते हैं एक बार कि क्या है, फिर आपसे बात करते हैं। सो अभी हमें इस लोकेशन पे ये एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, कौन सा है मुझे भी नहीं पता। एक काम करता हूँ, वो सामने भाई खड़े हैं, उनको कहता हूँ भाई एक फ़ोटो खींच दो मेरी, मज़ा आ जाएगा। भाई एक फ़ोटो खींच दोगे? हाँ जी। एक फ़ोटो खींच दोगे? किसमें किसमें? हाँ जी किसमें, आप दीजिए। हाँ हाँ मैं तेरे। कहाँ से आ रहे? मैं दिल्ली। दिल्ली से मनाली होते हुए? नहीं शिमला। अच्छा। बिलासपुर, शिमला भी नहीं। एक नॉर्मल में खींच दे, एक 0.5 में खींच देना आराम से। मनाली से एक बस आ रही है जो वहां पे थोड़ा सा फंस गई है। बोले तो एक साइड पे गाड़ी है, एक साइड पे वो है, तो पीछे एक गाड़ी को रुकना पड़ गया। बस वहां से निकलेगी तो हम निकल जाएंगे। बाइक में ये कोई दिक्कत नहीं है, बाइक को हम आराम से साइड पे लगा सकते हैं। यहाँ पे भैया भी खड़े हैं, इनके साथ हम भी खड़े हो जाएंगे। ये सबसे गड़बड़ वाला सीन है। कोई नहीं, अभी क्रॉस हो जाएगा तो फिर हम चलते हैं आगे। तो अभी कुछ दो तीन लोग मुझे मिले थे, मेरे को भी उनका नाम नहीं पता, कोशिश करूँगा कि मैं मिला उनसे। तो वो भी अभी चंद्रताल में स्टे करने वाले हैं, तो हमने फिर प्लान बनाया कि हाँ वो तीन हैं मैं एक, तो हम उससे चार का एक ही बात कर लेंगे कि भाई चार बंदे हैं बता, प्राइस भी कम हो जाएगा और आराम से रह भी लेंगे। तो एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पे, जो कि पहले वो गाड़ी वाले कर लेंगे। लेफ्ट से? आपके राइट। ठीक है। बड़े पत्थर आ गए। हाँ, कितनी लंबी है? आगे तो नहीं है? नहीं, यही है। बस यही है। चलो, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा ये आसान हो गया, बुरा ये है कि एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी है। हाँ सही बात है। यार एक काम करोगे, वो गाड़ी वाले आ रहे हैं ना, ये वाले, इनको ये बैग दे दोगे है ना? है नहीं? नहीं वैसे ही रास्ते में मिले थे। सो अभी एक डिफिकल्ट सी, ओ माय गॉड, सो बहुत डिफिकल्ट थी। और मेरे हाथ पांव सब ठंडे हो गए। ओह मैन, अब 2 मिनट गाड़ी को देंगे रेस्ट और हम भी करेंगे रेस्ट। देख लो भाइयों, ये होता है वाटर क्रॉसिंग में, ऐसे नहीं ऐसे, देखो ये होता है वाटर क्रॉसिंग में। दूसरे वाले में इससे भी ज्यादा था। सॉक्स मेरी भीग गई हैं, मैंने एक और सॉक्स रखी हुई थी, लेकिन इतना कोई ठंडा नहीं है तो मैं अभी चेंज नहीं करूँगा। मैं एक बार जाता हूँ, उनकी हेल्प करवा देता हूँ। अभी ये बाइक वाले आ रहे थे तो ये गिर गए, इनको पता नहीं था कि लेफ्ट से क्रॉस करनी है, राइट से नहीं क्रॉस करनी, मतलब मेरे लेफ्ट से उनके राइट से क्रॉस करनी।
तो कोई नहीं, हो गई है आराम से उनकी भी, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आपने जिनको देखा ना गिरते हुए वो ये थे, इनको पता नहीं था कि लेफ्ट साइड से लेके आनी है, तो अभी ये गिरे थे, बट अब स्टार्ट होगी बाइक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, इतनी कोई आई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। ओए होए पकड़ा ना यार, हैं हाँ तो और क्या, YouTube ना डालूं, कौन सा चैनल है बता दूंगा, वहीं तो चल रही है चैनल, कुछ रहा चैनल, चैनल ये रहा वैसे, मैं कहा वहीं तो जा रहे हैं, एक साथ रात भर बैठ के बातें करेंगे। देखो अगर पैर वैर किसी के बहुत ज्यादा गीले हैं तो बेशक चेंज कर लो सॉक्स, क्योंकि हवा लगेगी ना तो बहुत ठंडे हो जाएंगे। मेरे भी गीले हैं लेकिन मैं चल के देख रहा हूँ। ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा होगी यार, इतनी नहीं होनी चाहिए। एक बात है पता है, ये ऑफ रोडिंग ना हो ना तो लोग यहाँ आएंगे ही नहीं, नहीं आएंगे लोग, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। स्पेशली इसी ऑफ रोडिंग के लिए, इसी एंजॉयमेंट के लिए लोग आते हैं, ये वाटर क्रॉसिंग, ये एडवेंचर इसी के लिए आते हैं। इतनी प्यारी जगह लग रही है, दूर तक सब नज़र आ रहा है, और अभी लेकिन जहाँ हमें जाना है चंद्रताल लेक, वो नहीं दिखाई दे रही, आई थिंक वो दिखाई देगी, वो रही कैंपिंग। फाइनली आई हैव रीच्ड चंद्रताल, द ब्यूटी इन माउंटेन्स, ये है बेस कैंप, इसको कहते हैं बेस कैंप चंद्रताल। तो अभी बस फटाफट से पहुंचते हैं, अपनी बुकिंग करते हैं और रेस्ट करते हैं। रेस्ट क्या करना है, एंजॉय करते हैं। सो जिनके साथ मैं रास्ते में ज्वाइन हो गया था तो उन्होंने मुझे नीचे बुला लिया है, यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं। तो देख लो कैसी लोकेशन है, एक काम करता हूँ फटाफट से, पहले ना मुझे मेमोरी कार्ड भी खाली करना है, डेटा वेटा सब कॉपी करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे का क्या रूट है। मतलब आगे का तो कोई रूट नहीं है, आगे का तो हमने रेस्ट ही करना है। सो फाइनली वी हैव रीच चंद्रताल, एक बार देखते हैं फिर आपसे बात करते हैं। जो गलती हमने धांकर में करी थी वो अब नहीं करेंगे, इसलिए धांकर में हमने जितना सामान लेके चढ़ाई करी थी, ट्रैक किया था, वो अब नहीं होगा, यहाँ पे खाली हाथ ही ट्रैक करेंगे, सिर्फ एक अम्ब्रेला और कैमरा। तो जाने के लिए इजी हो गया हमारा, हुआ क्या कि बाइक भी जाती है वहाँ पे, वैसे कुछ जो भाई लगे बने हमारे दोस्त तो उनके साथ में गाड़ी में ही जा रहा हूँ। तो ये रहे सारे, अरे अपने अपने नाम बताओ एक एक बार। हाय माय नेम इज अम्या। हेलो स्पंदन हियर, स्पंदन, अमित, और ये लेके आए इनको रुपेश जी। तो अब हम सारे जा रहे हैं एक साथ धांग ऊपर लेक में, व्यू देख लो। सो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चंद्रताल लेक में, थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा, करीब 500 मीटर का ट्रैक है, 500 मीटर का ट्रैक करके हम लेक पे पहुंच जाएंगे। आज हमारी टीम का होगा वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिकेट मैच, अभी ऊपर जाके हम क्रिकेट खेलने वाले हैं, लेकिन हमारे पास बैट नहीं है तो हम शायद मारम पिट्टी खेलेंगे या कुछ ऐसा खेलेंगे, तो क्या करेंगे लेकिन आपको टाइम से बता दिया जाएगा। तो जो ये क्रिकेट बॉल्स लेके घूम रहे हैं साथ में, तो चलो एंजॉय करते हैं इसके साथ ही। अभी जिस जगह का इतनी देर से, इतने दिन से इंतज़ार था, जिस जगह पे हमने आना था, फाइनली हम उस जगह पे आ गए हैं, तो चलो आप दर्शन कर लो। ये है, आवाज़ आ रही होगी, ये है चंद्र लेक।
चंद्रताल लेक। सो हवा अच्छी चल रही है इसीलिए मैंने ये पहन लिया है मस्त टाइप का। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से थोड़े से सिनेमैटिक लेता हूँ और ताकि आपको भी एंजॉय हुए इसमें। Fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. ये देख लो आप लोगों के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। इधर देखोगे टाइम लैप्स लगा हुआ है और झील के सामने बैठा हूँ। तो आपको क्या करना है पता है, बता बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर देना। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at... अभी हम लोग चले, एक बड़े अच्छा पॉइंट मिला है जहाँ पे जाके एक बढ़िया शॉट्स आते हैं। तो फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि पॉइंट क्या है। उसके लिए थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा यहाँ से ऊपर के लिए। एक बार लेके चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या है वहाँ पे, क्योंकि पहले हम नहीं गए थे लेकिन कोई गया, उन्होंने मुझे बताया, फोटोज दिखाई, तो देन मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं। बाकी अभी चलते हैं आपको कैंप में लेके चलते हैं। रात के लिए उसको बोल के आए हम, राजमा चावल बनाएगा तो रात को राजमा चावल खाएंगे और बढ़िया बढ़िया शॉट्स लेंगे मिल्की वे के। चलो मिलते हैं अभी। My thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. जो झील आपने देख ली ना वो तो यहाँ थी, उसके बाद जिस नज़ारे के लिए हम आए ना वो देखोगे, ये देखो आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं लेकिन बड़ा जबरदस्त आ रहा है। okay, maybe you could be the change. I need... कैंप में जाके आराम से रेस्ट करते हैं। कैंप की डिटेल आपको कल दिखाएंगे कि कैंप कैसा है कल सुबह सुबह। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद जय हिंद जय भारत। और कैंप वाले भैया में बुला रहे हैं, बाय बाय।